हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे गैस पाइपलाइन जो गैस सीजीटी में जो यूज होती हैं फिटिंग्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है टेक्नीशियन और प्लम्बर्स के लिए है कि बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस और प्लम्बर्स ऐसे हैं और हेल्पर जिनको फिटिंग्स के बारे में पूरा पता नहीं होता है और सीजीटी में हमें काम करना होता है उनको, तो अगर फिटिंग्स के बारे में पूरी अच्छी तरह से पता रहेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि उनसे फिटिंग्स मांगी जाती है, उनको उसके नाम नहीं पता होते हैं। तो हम उस फिटिंग्स के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके आपको फिटिंग्स तो जो भी यूज होती हैं, जो मोस्टली फिटिंग्स हमारे पास हैं, उनके बारे में हम आज को आपको बता दे रहे हैं। ये आपका है यूनियन GI फिटिंग्स में जितनी भी फिटिंग्स लगती हैं उनके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ये नंबर एक है आपका यूनियन। ये यूनियन इजीली कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के काम आता है, यानी कि दो तरफ से पाइपलाइन आ रही हो इधर से और दूसरी तरफ से भी, और उसको अगर कनेक्ट करना हो जैसे TF नीचे से निकलता है वर्टिकल लाइन और हमारी ऊपर से पहले से हमने मीटर इंस्टॉलेशन कर रखी हो, तो बीच में हमें बिना यूनियन के जोड़ नहीं सकते। तो जब हमारे पास यूनियन होगा तो हम उसे आसानी से जोड़ सकते हैं, कि इसका यही काम होता है यूनियन का कि इजीली दो पाइपलाइनों को कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करने के काम आता है, इसको GI यूनियन बोला जाता है। इसके बाद दूसरा हमारी जो फिटिंग्स होती है वो ये है एल्बो। अब देखो, बहुत सारे साथी हमारे जो होते हैं प्लम्बर्स वो नहीं जानते हैं कि फिटिंग्स दो प्रकार की होती है एल्बो फिटिंग्स। एक होती है मेल फीमेल, एक होती है फीमेल टू फीमेल। अब कैसे पता करेंगे कि अगर कहीं बोला गया आपको कि फीमेल टू फीमेल फिटिंग्स चाहिए तो ये फीमेल टू फीमेल फिटिंग है, क्योंकि जिसके अंदर थ्रेड होंगी वो फीमेल होगी। इसमें दोनों साइड इनसाइड थ्रेड है, अगर किसी फिटिंग्स में दोनों साइड इनसाइड थ्रेड है मतलब वो फीमेल फिटिंग है, तो ये फीमेल एल्बो हुआ, फीमेल टू फीमेल एल्बो। इसके साथ ही आपका ये देखो दूसरा, इसमें क्या है, ये भी एल्बो है, 90 डिग्री एंगल पे एल्बो है, लेकिन इसमें एक साइड आउटसाइड थ्रेड है और दूसरी तरफ इनसाइड थ्रेड है, तो इसको मेल फीमेल एल्बो बोलते हैं, इसको मेल फीमेल बोलते हैं। इनमें NPT थ्रेड्स बनी रहती हैं, नेशनल पाइप थ्रेड्स, तो ये आपकी फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल एल्बो हुई और ये फीमेल टू फीमेल एल्बो हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो फिटिंग है हमारी वो है टी। ये देखिए टी, टी में तीन तरफ से पाइप को लगाया जा सकता है, इसलिए इसको इक्वल टी बोलते हैं, इक्वल टी। और अगर इसमें एक जैसे ये ऊपर की तरफ निकला हुआ यही सिरा, इसमें एक तरफ और निकला होता इसके क्रॉस, जैसे ये आर पार है इधर से भी आर पार होता, तो उसको क्रॉस टी बोला जाता है, जो चार तरफ होता है, मतलब उसमें चार तरफ से हम पाइप को फिट कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा क्रॉस टी। इसके बाद ये देखो, ये हमारा GI निप्पल, ये 3 इंच का निप्पल है, ऐसे छोटे छोटे जो पीस होते हैं दोनों तरफ उनमें थ्रेड कटी रहती हैं, तो उनको साइज के आधार पे बोलते हैं। ये 1/2 इंच का है और 3 1/2 इंच बोले तो डाया में है और लंबाई इसकी 3 इंच है, तो इसको 1/2 × 3 इंची निप्पल बोलेंगे और ये 1/2 × 2 इंची निप्पल बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो 2 इंच है और जो आउटसाइड डाया है वो 1/2 इंच ही है। तो ये आपकी फिटिंग्स हैं। इसके साथ ही ये देखो, फिटिंग्स में जब हम कहीं पाइपलाइन को लास्ट में अंत करते हैं तो प्लग लगा के बंद कर देते हैं, इसको हम एंड प्लग बोलते हैं, एंड प्लग। एंड प्लग इसलिए लगा क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाते हैं कि पाइपलाइन हमने इंस्टॉल कर दी और उसके बाद मान लो अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो इसमें कोई रेप्टाइल अंदर चला जाएगा, कीड़ा है, छिपकली है, तो हमारी पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा, तो फिर वो हमारे लिए पाइपलाइन कोई काम की नहीं रहेगी और हमें दोबारा से खोल के सही करनी होगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम उसमें एंड प्लग का इस्तेमाल करें। जब एंड प्लग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पाइपलाइन सुरक्षित रहेगी, ठीक है। और ये हमारा, ये भी एक प्लग है लेकिन ये कैप प्लग है। एंड प्लग में आउटसाइड थ्रेड है, ये कैप प्लग है, इसमें इनसाइड थ्रेड है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए जब भी पाइप में लगाएंगे ये तो पाइप के ऊपर ही लग जाएगा, लेकिन जो प्लग है इसको लगाने के लिए हमें एल्बो का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें एल्बो लगाएंगे उसके बाद ये या सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे तभी ये फिटिंग हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फिटिंग है ये है सॉकेट। ये भी दो पाइपों को जोड़ता है, यहाँ पे भी जॉइंट होता है, इसको कपलर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कपलर जो होता है वो हमारा MDP फिटिंग्स में होता है, या और हम GI की बात कर रहे हैं तो ये GI सॉकेट है। इसमें इनसाइड थ्रेड होती है, ये दो पाइपों को जोड़ता है, लेकिन ये यूनियन से भिन्न होता है, क्योंकि यूनियन को इजिली कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको इजिली डिसकनेक्ट
नहीं कर सकते। ये एक तरफ पाइप में फिट हो जाएगा, दूसरी तरफ आगे की तरफ पाइप को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा है ये देखो आइसोलेशन वॉल्व। शॉर्ट में से आइसोलेशन वॉल्व बोलते हैं। इसका पूरा नाम इसका आइसोलेशन वॉल्व है। शॉर्ट में कुछ लोग इसे IVV बोलते हैं। ये इसमें विग्नेट लगा रहता है। ये मीटर से पहले और TF के ऊपर लगा रहता है। इससे गैस सप्लाई को हम बंद कर देते हैं। ये कंट्रोल वॉल्व है, यानी गैस की सप्लाई को कट कर देगा, बंद कर देता है। जितना हम खोलेंगे उतनी गैस आगे निकलेगी, बंद कर देंगे तो पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो ये कंट्रोल वॉल्व है, गैस की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद ये हमारा मीटर एडाप्टर है, और एक मीटर में दो एडाप्टर लगते हैं। तो दो मीटर एडाप्टर हो गए, इसमें यूनियन भी रहता है, तो आसानी से इजीली मीटर में कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटर एडाप्टर। इस रेगुलेटर एडाप्टर में क्या होता है, इसमें ये मेल फीमेल दोनों होता है। एक साइड देखो आउटसाइड थ्रेड है और एक साइड इनसाइड थ्रेड है। तो एक साइड इनसाइड थ्रेड होती हैं तो उसको बोलते हैं फीमेल, और जिस साइड आउटसाइड थ्रेड होती हैं तो उसको बोलते हैं मेल। तो ये मेल फीमेल एडाप्टर हुआ, रेगुलेटर में लगता है, रेगुलेटर एडाप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट फिटिंग्स जो है वो होती है हमारी अप्लायंस वॉल्व। इसको कुछ लोग AVV बोलते हैं शॉर्ट में इसको AVV बोला जाता है। ये अप्लायंस वॉल्व होता है, ये ठीक स्टोव के पास जहाँ भी पाइपलाइन एंड हो जाती है किचन में, वहाँ पे लगता है। इसमें आगे रबर ट्यूब कनेक्ट हो जाती है और इसमें क्लैंप से कस जाती है। तो इसको हम डेली ऑपरेशन में लेते हैं। अप्लायंस इसलिए कहते हैं कि जब भी खाना बनाना होता है कस्टमर को, उसके बाद इसको आसानी से बंद कर सकते हैं, और जब चालू करना होता है तो ऑन ऑफ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी फिटिंग्स हैं, इनको जानना प्लम्बर्स और टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ लोग कह रहे थे मीटर के बारे में भी बताओ, सॉरी रेगुलेटर के बारे में। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रेगुलेटर है जहाँ पे हम हैं, वहाँ पर ये मीटर के ऊपर लगता है। ये निर्मल का रेगुलेटर है, इसमें एक तरफ ये हमारा इनलेट होता है इस तरफ, और इस तरफ आउटलेट होता है इनलेट, और इस तरफ ये मीटर पे डायरेक्टली फिट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया मीटर रेगुलेटर। इसके इनलेट का जो प्रेशर होता है वो 100 mBar होता है, क्योंकि ये मीटर पे लगता है, और इसका आउटलेट प्रेशर जो होता है वो 21 mBar होता है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड होता है तो 21 से 24 mBar का होता है। तो 21 से 24 mBar के बीच इसका सेट प्रेशर होता है। तो आपने देखा इतनी सारी फिटिंग्स जो हमारे पास हैं वो हमने आपको पूरी बता दी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो